प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंडवा। जी हाँ, जो खंडवा जिले में थाना मुगट रोड क्षेत्र है, इस पे हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट करा है। ये जो अवैध हथियारों को सिगनूर गोड़वा जो थाना है खरगोन जिले का, वहाँ से खरीद कर ला रहे थे। मुगट रोड की टीम को इस पे सूचना प्राप्त हुई थी और उन्होंने दबिश देकर 3 आरोपी को मौके से पकड़ा और उनके पास से 2 अवैध हथियार जो देसी पिस्टल के रूप में थी उसे मुगट पुलिस ने जब्त किया है। इस पे अपराध पंजीबद्ध करके 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और प्रारंभिक पूछताछ पर यह पाया गया कि ये जो 2 आरोपी है, जिसमें एक का नाम है नितिन और दूसरा जो सुमित है, ये दोनों पिपरिया जिला होशंगाबाद के निवासी है। इनमें से एक आरोपी जिसका नाम आकाश है, वो घासपुरा जिला खंडवा का निवासी है और इस पे प्रत्येक बिंदु पे पूछताछ की जा रही है कि ये किस व्यक्ति को सप्लाई कर रहे थे और इनका उद्देश्य क्या था इस हथियार को खरीदने का। अभी इस पे पड़ताल चल रही है। वो रिकॉर्ड भी इनका आपराधिक, इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी नहीं है, लेकिन इस पे और भी हमने अन्य जिलों पे सूचना भेजी है, अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसको वापस। इन्होंने कहाँ से खरीदे, कितने में खरीदे? ये 15,000 रुपये में इन्होंने एक पिस्टल खरीदी थी। ऐसे करके 2 पिस्टल ये लोग लेकर आए थे और इसको अधिक से अधिक राशि करीब 30,000 में इन लोग सेल कर देते थे। पहले भी पूछताछ पे अभी जो ज्ञात हो रहा है कि इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, तो उन बिंदु पर जाँच की जा रही है। सर, दारू की भूमिका क्या है सर खंडवा पर? जी दारू की भूमिका क्या सर, दारू जो है उसमें एक लड़का, इसमें जो खंडवा का लड़का इनके साथ सम्मिलित था और इसको ये पता है कि हथियार कहाँ पर मिलते हैं, लगातार पहले भी इनके संपर्क में रहा है और इस तरीके से अवैध हथियारों में खरीद फरोख्त में इसका पूरा सहयोग रहता था।